जस्टिस का यही तरीका है। यहां सारी चीजें प्रोसीजर के हिसाब से होती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर प्रोसीजर को हटा दिया जाए तो जस्टिस बेकार हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फर्क नहीं पड़ता हमें विक्टिम के लिए कितना बुरा लग रहा है, अगर उनके पास लॉ की जानकारी नहीं है और सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो आज की घटना के बाद मेरी सोच बदल गई है। जब मेरे पास पैसा, पावर और हिम्मत दोनों होगी तब मैं एक पब्लिक लीगल एड सिस्टम बनाऊंगी जो लोगों की मदद ही नहीं लॉ को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। वैसे ये आइडिया आया कैसे? दरअसल मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद यही काम करना चाहती थी लेकिन ली चोंगवेन ने कभी सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने लाओ चोंगवेन को बताया जब मैं जेनियांग में काम कर रही थी पर उसने भी मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया। पता है आज जो भी केसेस हमें मिले हैं वो सब मामूली केसेस हैं लेकिन चूंकि पब्लिक को लॉ की जानकारी नहीं है वो अपने आप को इस सिस्टम से बचा नहीं पाते हैं। तुम्हें पता है कि मैं कभी कभी ये सोचकर अपसेट हो जाती हूँ कि मैं शुरू से अच्छा कर सकती थी, शायद इसलिए मुझे नहीं चाहिए कि जस्टिस किसी की लापरवाही की वजह से ना मिले, इसलिए मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ। अच्छा है। वैसे अब तुम क्या करने वाली हो? एक्चुअली कैंडलू और मैं आज डेट पे जा रहे हैं तो इसलिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। बताओ मैं क्या पहनूं इनमें से? मेरी सलाह? मेरी डेट के लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करो ताकि कैंडलू देखे और सरप्राइज हो जाए। प्यार लोगों से क्या क्या ना करा दे, अब बंदरिया भी खुद को हीरोइन समझने लगी। अपनी बकवास बंद करो वरना बंदर बना दूंगी। अपने नाखूनों से उसकी जान लेने वाली हो क्या? यार तुम इस गेट को उसका दिल जीतना चाहती हो, उसका दिमाग नहीं।
अरे बस करो बस, अब और नहीं देख सकता मैं। कुछ अच्छा पहन के आओ प्लीज। तुम डेट पे जा रही हो किसी से लड़ाई करने के लिए? इसमें क्या बुराई है, ये मेरी सबसे महंगी ड्रेस है। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इस प्यार की लड़ाई को तुम जीत सको। अब कपड़े भी सिलेक्ट मैं करूंगा, समझी तुम? ये लो। बिल्कुल नहीं, ये कपड़े पहनने से अच्छा होगा कि मैं अपनी जान दे दूंगी। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि तुम खूबसूरत दिखो, और डेंग लू की गर्लफ्रेंड खूबसूरत दिखनी चाहिए, जिसके कपड़े भी बेहतरीन हो, तुम कोई एलिगेरी नहीं हो। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं पहनने वाली। क्या कर रहे हो? आओ, छोड़ो मुझे। क्या करो, मेरी बात मानो। हेलो सर, यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। इनके साथ कुछ ऐसा करो कि इनका फेस कुछ ग्लो करने लगे, ऐसी मसाज करिए कि स्किन सुपर सॉफ्ट लगने लगे, चमकते हुए हीरे की तरह। कुछ है? सुनिए मैडम, हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसे स्किन बहुत ही ग्लो करने लगता है। जैसा कि सर ने अभी अभी कहा, मुझे लगता है कि आपको टाइमलेस ट्रीटमेंट करनी चाहिए और ट्रीटमेंट के बाद चेंज नजर आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा मैडम, क्या करूँ मैं, नहीं जाओ तुम बस। सुंदर लग रही हो, सच में। सच में मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है। अजीब सी नहीं दिख रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये जो वाइन है इसे डायरेक्टली फार्म से इंपोर्ट करवाया है, इसे ट्राई करना चाहोगी? क्यों नहीं। ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। कैसी लगी? ये किसी काम का नहीं है। ये हार्ड है बहुत। एक्चुअली मैं जनरली ड्रिंक नहीं करती हूँ, बस गर्म पानी पीती हूँ। माफ करना, मैं जानता नहीं था। वेटर, दो ग्लास नींबू पानी देना। थैंक यू। आपको कुछ और चाहिए मैडम? नहीं, बस थोड़ी सफोकेशन हो रही है मुझे। अच्छा, प्लीज आप वो जाकर विंडोज खोल दीजिए। वेटर, ये सर, ये कैसी स्मेल आ रही है, काफी अजीब है। सॉरी सर, बाहर एक स्टॉल है, वहीं की स्मेल आ रही है। स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर, वो स्मेल अंदर ना आ जाए इसलिए हम लोग विंडो को बंद करके रखते हैं सर। इतने बड़े रेस्टोरेंट को केवल अपने खानों पर ही नहीं बल्कि कस्टमर के डाइनिंग टेबल पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह पर लोकेशन क्यों सेलेक्ट किया? इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ सर। ऐसे नहीं चलेगा, मैं रिपोर्ट करूँगा। आपको इसमें अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुम्हें वाकई ऐसा खाना पसंद है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि आसान नहीं होता है, इसे इग्नोर क्यों नहीं करते आप? आप विंडो बंद कर दीजिए। ठीक है सर। तुम शायद नहीं जानती हो, ये अजीब सी स्मेल पुराने बाम्बू प्रोडक्ट से आती है। इसके फर्मेंट के प्रोसेस में दो तरीके की अमीनो एसिड गैस निकलती है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से पहले हाइड्रोजन सल्फेट और फिर स्केटोल। दरअसल इसकी स्मेल हमारी पॉटी की तरह होती है, बदबूदार। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी जगह पर खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा।
हूँ। इन सारी बातों के बाद मुझे एहसास करवाया कि मैं लो ग्रेड हूँ। शून, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। इसकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली मेरे रूममेट्स के यहाँ पर पार्टी है तो मुझे वहीं जाना होगा। ठीक है फिर, तुम अपना ख्याल रखना, समझ गई ना? ठीक है, घर पहुँचने के बाद मुझे मैसेज करना। हाँ बाय 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 बाय। हाँ भला टली, खाना कितना महंगा और बकवास था, पता नहीं कैसे टॉप 10 में है ये। टेस्टी खाना है। हाँ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या, तुम लोग इतनी दूर बस खाना खाने के लिए आए हो? कमाल है यार। हाँ बिल्कुल, तुम नहीं समझोगी, खाने का प्यार है। मैं इस स्टॉल का VVIP हूँ। यहाँ पर जो खाता है वो कभी भूलता नहीं। तुमको क्या हो गया? अपनी पहली डेट के बाद तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था? डेट तो पूछो मत, अंग्रेजी खाना महंगा और घटिया होता है, और खाने के बाद कितना दिखावा करना पड़ता है पता है तुम्हें? और उसके बाद फालतू की बकवास सुननी पड़ी, मेरा तो दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। तुम्हें पता है हमारी डेट के एंड में क्या हुआ? उसने मुझे केमिकल की बात बताई। उसने मुझसे कहा कि वो जो खाना ना लोफिसन का, उसका खाने का मतलब पॉटी खाना है। क्या बकवास है यार। रईसों के साथ डेट पे ऐसा ही होता है। खबरदार, अगर मजाक उड़ाया मेरा, अपने प्यार का इजहार कब करोगे? कोशिश तो कर रहा हूँ पर आजकल मुझे अवॉइड कर रही है, अब बाहर खा रहा हूँ गम भुलाने के लिए। रिलेशनशिप में ना रहो तो कुछ भी खा सकते हो, ये भी सही है यार। लगता है तुम्हारा पेट नहीं भरा खाने से। भैया एक प्लेट और लेकर आ जाओ। और हाँ KBR भी पिला देना प्लीज, ठीक है? मुझे लगता है कि ये स्टॉल का खाना बेस्ट होता है। मजा आ गया। चीयर्स। तुमने अपनी ड्रेस खराब कर ली, अब अगली डेट में क्या पहनेगी? वैसे अब ये ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो मॉडम साहब। मुझे भी अपना स्टॉल खोलना था, अगर मुझे पता होता कि इससे इतनी कमाई होती तो कब का खोल लिया होता। देखो वो टिकट बेचने वाला, ये टिकट सिर्फ कपल्स के लिए है। हाँ, ये बहुत सही बिजनेस है, अगर मेरे पेरेंट्स ने सुना होता तो एक्साइटेड हो जाते। अगर 10 साल बाद कपल्स अपने टिकट के साथ वापस आते हैं तो उनको सारे पैसे वापस हो जाएंगे, ऐसा मैं कहती हूँ। भगवान से मना रही हो ना कि लुजुन जैसा गबरू जवान इस बार जिनका दिल छू ले। मैं ऐसी ठीक हूँ, गुस्सा आता है इन्हें देखकर। इडियट। देखिए ये कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, कोई तो सॉल्यूशन होगा प्लीज। लू तुम्हें ये चाहिए ना? तुम्हारे पास ये? मुझे लगता है भगवान ने इस बार इसकी सुन ली। ये सही है, मेरा साइड मिशन अब काम करने लगा है। इस बार जिन और लूजन को टिकट दे रही है, बस कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में वो टिकट फाड़ दे और चला जाए। तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास लग रही हो? मैं तो पैसों को लेकर उदास हूँ। चलो चले, अब इन दोनों को अब साथ अंदर जाने दो।你说你现在很好，而且喜欢回忆很久。
常，我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。可是呀，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦从来不大。我们没有在一起，至少还像情侣一样，我痛的疯的伤的在你面前哭的最惨。那地方回忆很长，我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。至少还像朋友一样，你远远的关心，其实更长。आप लोगों ने इस फैकल्टी में एक साल बिताए हैं। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है और आप लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है। वैसे विशिंग बोतल से भविष्य तो नहीं बनेगा, कम से कम आप लोगों को आपका मकसद जरूर नजर आएगा। 10 साल सुनने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन यूं निकल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पेपर पर अच्छी तरह से लिख दो और उनको बोतल में डाल दो। मुझे एक मीटिंग में जाना है। केनवे। यस सर। जब सबका हो जाएगा तो उसे कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में रख देना। हाँ ओके। सुनो, तुम्हारे पास क्या बहुत सी विशेष है क्या लिखने के लिए? लगता है एक पेपर काफी नहीं है। हाँ, मैं बुद्धू लगती हूँ क्या? सिर्फ बच्चे अपने विशेष मांगते हैं अपने फ्यूचर के लिए, समझदार लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। तुम ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो रही हो, मजाक तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। अगर मैं वाकई इस पे भरोसा करती हूँ तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, हो सकता है मेहनत के बाद भी सक्सेस ना मिले, पर बिना मेहनत किए तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मेहनत ज्यादा जरूरी है। बस मेहनत करो। और तुम इसके लिए मुझसे लड़ोगे, तुम जिंदगी भर उम्मीद नहीं लगा सकते। इस पे तुम बहस नहीं कर सकती हो, डोंट वरी। जब मेरी विश पूरी होगी तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी विश, और कौन नहीं गेस करेगा, ये ऑब्वियसली जिन के बारे में होगी। जिद्दी इंसान। सभी लोग लिखने के बाद ये मुझे हैंड ओवर कर देना। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। इच्छाओं को पेपर में लिखने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी लिख दो और खत्म करो। चलो कुछ अतरंगी कर दो। अब इसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आइंस्टीन वायलिनिस्ट बनना चाहता था तो तुम्हारे जैसी लॉ स्टूडेंट म्यूजिशियन क्यों नहीं बन सकती? अब इतना सोचो भी मत। वी, क्या तुम गेस करोगे मेरी विश पूरी होगी कि नहीं? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो ये अफसोस 10 साल बाद रईस बनने के बाद भी रहेगा। गॉयसिन, तुमने विश में क्या मांगा? अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसे खुद से बनाना चाहती हूँ। ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? तुम्हारे पापा नंबर 1 रईस हैं, उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था ना, बस अब तुमको उसको आगे ले जाना है। इसकी बकवास पर ध्यान मत देना। मैं अपनी तीसरी आंखों से देख रही हूँ, सिम 2022 तक सक्सेसफुल हो जाएगी, और बहुत ज्यादा बिजी भी, इतनी बिजी की बॉटल का ध्यान भी नहीं रहेगा। काश ऐसा ही हो। तुम बहुत गंदी हो। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुम कभी नहीं बताती मुझे। ए, ये सब कलेक्ट कर देना, एक जरूरी कॉल है। यस मॉम, क्या बात है? आप हॉस्पिटल जा रही हो? लेकिन किस लिए माँ? सब तुम्हारे पापा की गलती है, उन पर ही जवानी का भूत सवार था। अपने साथ साथ मुझे भी साइकिलिंग के लिए ले गए। जैसे ही शुरू की पेड़ से टकरा गए हम। अरे जी, मेरा तो पैर भी नहीं उठ रहा है, एक्सरे के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं हम।
आपके पैर में चोट आई है? पापा कैसे हैं? वो ठीक है ना? वो ठीक है, बस पेड़ से टकरा गए हैं और खून निकल रहा है। क्यों उसे डरा रही हो? अरे आपकी नाक से खून निकल रहा है, टिश्यू लगा है उस पर। फिर से खून बहने लगा? अरे हाँ। ये बताओ कि अभी उनको कोई बुखार या सिरदर्द तो नहीं है ना? बुखार? अजय मैं देख लेती हूँ। अजय यहाँ आइए। हाँ थोड़ा सा बुखार लग रहा है। मैं ठीक हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत। जब भी मौसम बदलता है उनको बुखार आ ही जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप डॉक्टर के यहाँ अपनी बारी का इंतजार करेंगी तब पापा को बोलना कि अपना रूटीन CBC करवा लें और अपना बोन मैरो एग्जामिनेशन भी। सुनो मुझे मेरा पैक देना प्लीज, मैं जा रही हूँ। ठीक है। इसको क्या हो गया अचानक? शायद इसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। शियान तुम घबराओ मत, उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनो। तुम नहीं समझोगे, जो होना है वो होकर रहेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट है। क्यों नहीं रुक रही है? मैं देखता हूँ, रुको। ये रुक क्यों नहीं रही है? अरे रुक जाओ ना। क्या हो गया दोस्तों, बड़े परेशान लग रहे हो, मैं मदद कर सकता हूँ क्या? मदद के लिए शुक्रिया लीड। इसकी जरूरत नहीं, तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जाओ जाओ। हेलो, भागे क्यों थे? अब ऐसा नहीं होगा सर। ये सब कैसे हुआ? 6 महीने पहले तक तो ये ठीक थे, ये अचानक से बीमारी कैसे हो सकती है? कैसे पॉसिबल है? अरे घबराने वाली बात नहीं है। इधर लाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? पास के लोग तुम्हें ही बीमार समझेंगे। ऐसे टाइम पे आपको काम और कंपोज रहना चाहिए। मैं शांत कैसे रहूं? पापा तो ना तो ड्रिंक करते हैं ना ही स्मोक, रोज खाने के बाद वॉक भी करते हैं, फिर ये अचानक से उनको बीमारी कैसे हो गई? इस दुनिया में इतने सारे बुरे लोग हैं, अकेले मेरे पापा के साथ में ऐसा क्यों? बेटा तुम्हारा सपना सच होता हुआ लगता है। सुनो, तुम्हारे साथ दुनिया घूमने का वादा किया था मैंने, लगता है नहीं पूरा कर पाऊंगा। अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हो? ये तो अर्ली स्टेज ल्यूकेमिया है। अर्ली स्टेज? इसका क्या मतलब होता है? ल्यूकेमिया तो है ही ना इनको। सुनो, ये सब की सब तुम्हारी गलती है। किसने कहा था कि अपने बेहुदे सपनों से पापा को डराओ? किसने कहा था? बस करो, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुम जाओ ट्रेनिंग करो। पापा मुझ पे भरोसा है आपको? मैं कह रही हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, उसके बाद एक और सपना देखा। मैंने देखा कि आप ठीक हो चुके हो, फिर आपने मुझे एक बेहतरीन लॉयर बनते हुए देखा, क्वान चौन की मदद की और उसने नेशनल टीम ज्वाइन कर ली, और उसके बाद आप और माँ वर्ल्ड टूर पे गए। वाह ये तो अच्छी बात है। घबराइए नहीं, ये सब सच होगा, मुझे यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे। अब लड़की की तरह रोना बंद करो, मर्द बनो और हिम्मत दिखाओ। अब तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम माँ को अच्छी कंपनी दो, उनके पैर में भी कभी चोट ना लगे। बेहतर होगा तुम उन पे ध्यान रखो। मैं रखूंगा। आज मेरी मॉम की ड्यूटी यहीं पर है, उन्होंने बोला कि कुछ जगह है IPD में, मैं आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। ठीक है। क्वान चौन कैसी सिचुएशन है वहाँ पे? स्ट्रीट लाइट्स टूट गई है, जरा संभाल कर। क्वान चौन मैं एक काम करूँ क्या, घर जाके सामान पैक करके सीधे हॉस्पिटल आऊँ? उनको IV ड्रॉप लगने वाली होगी, तब तुम उनका सारा जंक फूड हटा देना वहाँ से। ध्यान रखना वो कुछ भी बाहर का ना खा पाए, और उनके लिए एक फेस मास्क भी ले लेना। अभी उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है क्वान चौन, बाहर जाते वक्त लगाएंगे उसको। अभी कुछ टर्टल सूप पड़ा है, मैं जाकर वो ले आती हूँ, घबराना मत। दीदी मैं ध्यान रखूंगा। पहले मुझे लगता था तुम नाम की बड़ी बहन हो, लेकिन आज तुमने साबित भी कर दिया कि घर की बड़ी बेटी तुम हो।
मुझे लगा कि हमने पापा को खो दिया। मैं बहुत डर गया था। दीदी मुझे भी प्लीज सच बोलना, तुमने उनके ठीक होने का सपना देखा है ना? घबराओ मत गंजन, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम ठीक तो हो ना? किन्वे भाई, किन्वे घबराओ मत। भाई तुम ठीक हो? चुप हो जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हम सब तुम्हारे साथ हैं। शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं कि तुम थोड़ा परेशान हो, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, बुक्स और तुम्हारा लैपटॉप भी लाए हैं। और हाँ, ये फ्लैशलाइट भी। स्कूल से हॉस्पिटल जाते वक्त अंधेरा हो जाएगा ना, तो तुम्हारे काम आएगा। हाँ, कुछ भी जरूरत हो तो हमें मैसेज कर देना, हम तुरंत भिजवा देंगे तुम्हें। देखो विन, तुम टेंशन मत लो, अब से हम तुम्हारी अटेंडेंस भी लगवा देंगे। हाँ, जितनी भी क्लासेस होंगी सब में लगा देंगे। हम तुम्हारे लिए अच्छे से पढ़ेंगे और तुम्हारे नोट्स भी अच्छे से बना लेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी जिनसिंग भी लाई हूँ, जरूरत पड़ने पर अंकल को दे देना, ठीक है? ल्यूकी मैं पेशेंट को जिनसिंग नहीं दे सकते, उनके लिए ठीक नहीं होता है। कोई नहीं, मैं रख लेती हूँ। कोई नहीं, मैं ले लूंगी, सारी की सारी मैं खा लूंगी। तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा बहुत से अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनको यहाँ बुला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। हो जाओ। आपके एडमिशन के वक्त आपको बताया था ना, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मुझे ये लेना होगा आपसे। क्या हो गया पापा को? मिस क्वीन आप आ गई। आपके फादर के ब्लड काउंट के हिसाब से छोटी सी खरोच से भी उनका बहुत खून निकल सकता है। पर देखिए इन्हें, आपके भाई के जाने के बाद ये चोरी चोरी एप्पल छील रहे थे, वो तो मैंने देख लिया इनको। ब्लीडिंग रुक गई है, मैं ठीक हूँ, अब कितनी शिकायत करोगे उससे? आखिर चल क्या रहा है, मैंने कितनी बार कहा है कि एप्पल नहीं खा सकते, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? आप ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारी माँ के लिए है, मैं रोज दोपहर को उसको देता था। आपको पता है ना आप बीमार हैं। हाँ ठीक है, तो जीना थोड़े छोड़ दूंगा, पति का फर्ज होता है ना कि अपनी पत्नी का ध्यान रखे। तुम इसकी चिंता क्यों करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैंने आपके लिए एप्पल छील दिया है। तो क्या बात है, तुम किसके साइड से हो? इसके लिए मत चिल्लाना, कुछ बर्फ डालकर दोगे मुझे, ये थोड़ा चिल हो जाएगा। बहुत गुस्सा करती है ये, अगली बार अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो बहुत मारेगी। मैं हमेशा इसकी बात मानता हूँ, बस इसको ये बात नहीं पता है। क्या क्या बोल रहे हो तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें? चलो चलो बहुत हो गया, अगली बार ऐसा मत करिएगा, समझे आप? लीजुंग सुनिए, जब भी आपका काम हो जाए मुझे याद से चाकू दे दीजिएगा। मिस क्विन जरा आइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके फादर पॉजिटिव हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जब भी ट्रीटमेंट की बात आती है तो बस मेडिसिन ही काम नहीं आते, पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब पेशेंट पॉजिटिव होते हैं तब उनकी बॉडी ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स निकालती है जिससे उन्हें ठीक होने में मदद मिलती है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उनके ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करते हैं। पर वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, मैं हर बार उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उनकी मदद करने दीजिए, मुझे लगता है कि वो आपके फादर का ध्यान अच्छे से रखेंगे। चलो मैं चलती हूँ। अरे अरे सुनिए तो, इसमें थोड़ा बर्फ जरूर डाल देना। हाँ बिल्कुल अंकल। अब तो किस्मत कुछ अलग ही कर रही है, मैं ऐसे कैसे लिख दूँ यार। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करिए ना पापा। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं रहने दो, नर्स मेरी देखभाल ठीक से कर रही है। थोड़ा सा खून निकला है, परेशान क्यों हो रही हो? डॉक्टर को बुलाना है तो बुलाइए ना, लेकिन चलना है तो चलना है, मुझसे लड़के कोई फायदा नहीं है। नर्स आएगी तो आपको नींद की दवा देगी, फिर भी आपको चलना पड़ेगा। पिछली बार टेस्ट हुआ था तो मैं बहुत परेशान हो गया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि लंबर पंचर करने के बाद मुझे 6 घंटे तक लेटे रहना होगा। इन कपड़ों में अजीब लगता है, बिल्कुल मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता है। मेरी माँ से कहो कि मेरा वो सिल्क का पाजामा और कुर्ता लेकर आ जाए। सिल्क पजामा चाहिए आपको? कहिए तो आपके लिए कॉफी मंगवा देती हूँ। चलिए उठिए, बहुत हुआ आपका। लुशुंग कुछ करो ना, ये लड़की मुझे परेशान कर रही है। अंकल मैं कुछ नहीं कर सकता।
ऐसा थोड़ी होता है यार। उसके गुस्से के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ अंकल, मैं पंगे नहीं लेना चाहता हूँ। हे भगवान, वैसे मैं जल्दी गेम जीतने वाला हूँ। कैनन चेकमेट, उसी कैनन से मुझे मार डालो। आप ठीक है ना? हाँ, वो वैसे ये क्या है अंकल? ये मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ, ये तो एडल्ट डायपर्स हैं। आपको 6 घंटे तक बिस्तर पे रहना होगा ना, और आपको 6 ड्रिप भी लगेगी। नेचर कॉल आएगा तो क्या करोगे? अरे यार, मैं इसको नहीं पहनने वाला। हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि ये तुम अपने लिए लाए हो। अभी मैं सोचूं कि एक जवान लड़का इसका क्या करेगा। इसको यूज नहीं करेंगे तो बिस्तर पे सुसु करेंगे क्या आप? मेरी चिंता मत करो, मैं होल्ड कर सकता हूँ। अरे मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? शियानवे ने कहा था कि अगर पैजामा पहना तो ये पहनना पड़ेगा। सॉरी अंकल, पहनना पड़ेगा। मैं नहीं पहनूंगा। नहीं रोक पाएंगे? मैंने पहले भी 12 घंटे तक रोका है भाई। सॉरी, आपको पहनना पड़ेगा। इस बार मैं पहनाऊंगा आपको। कहाँ चले गए? रुकी, क्या कर रहे हैं आप? पापा क्या कर रहे हैं? नीचे उतरिए। पापा क्या बचपना है? अरे तुम धीरे बोलो ना, और ये लाइट बंद करो जल्दी। पहले आप नीचे आओ, क्या कर रहे हो आप? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अब वो तो चल नहीं सकती ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। अरे उसको कितना अच्छा लगेगा बाबा। अब पहले आप नीचे आओ। आप नीचे आओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? थोड़ा पुश करो ना। तुमने चढ़ाई इन्हीं से सीखी है क्या? पापा पापा नीचे आओ, पहले नीचे आओ। नीचे आओ पापा, नीचे आओ। नीचे, ये कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप नीचे आओ। मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल नहीं। क्या कर रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पापा, आप नीचे आओ। अरे रे, मैं डिनर के बाद वापस आ जाता ना। नीचे आओ पापा। अरे समझती क्यों नहीं हो, जाने दो। नीचे आओ पापा। नहीं आऊंगा। अरे इनको नीचे उतारो। मुझे जाना होगा। नीचे उतारो। अरे मैंने कहा था मैं नीचे नहीं उतरूंगा। नहीं, नीचे उतारो। तुम किसकी साइड से हो बोलो? नहीं, नीचे उतारो इन्हें। अरे जिद क्यों करती हो? उतारो इन्हें, नीचे उतारो। हो गया, अब आप बात कर सकती है। हो गया क्या? देखो अंकल। हेलो अंकल। कैसी हो? हेलो माँ, कैसे हो? हेलो, अच्छा लगा देखकर, बहुत साफ दिखाई दे रही हो। एक बात बताओ, इतनी रात को बेचारे को क्यों परेशान किया तुमने? वेडिंग एनिवर्सरी तो है, क्या जरूरत थी इसकी? कोई बात नहीं, आप दोनों खुश हैं तो सभी लोग खुश हैं। अरे मौसम ठंडा हो रहा है ना, ठंडी बढ़ने पर तुम्हारा पेट दर्द तो होता ही है। मैं वहाँ रहता तो अच्छे से सूप बना कर देता, अब मैं तो यहाँ पर हूँ। खाना ठीक से खाना। देखो, दोनों बच्चों को आपका ध्यान रखने में मेहनत करनी पड़ रही है। आप दोनों बच्चों को इतना परेशान मत करिए, समझिए आप? माँ, पापा को तो बस आपकी चिंता है, मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। झूठ मत बोलो, तुमने कब बोला कि तुमको सूप पीना है? ये झूठ बोल रही है। तुम अपना ध्यान रखना। आंटी आप बात कीजिए, मुझे एक रिप्लाई देना है। वहाँ सब ठीक है ना? और यहाँ पर आते वक्त तुम मेरे साथ थे, मेरे माँ पापा बात कर सके तुम इसलिए लैपटॉप लेकर गए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना वहाँ पर। वेलकम। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम कुछ टाइम साथ में बिता सके। वैसे मुझे मॉम को नाइट शिफ्ट से ले जाना है। मेरे लिए एक गाना गाओ ना। कुछ भी, बच्चे यहीं बैठे हैं। आज उठने में इतना लेट हो गया, इतनी लंबी लाइन, क्या करूं? पता नहीं कब नंबर आएगा मेरा। हेलो। मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, पर अभी नहीं दोस्त। जरा अपने सामने देखना, इस तरफ, इधर इधर। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कल रात तुमने स्टेटस पर डाला था अपने, तो मैंने देखा था कि तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए आज हॉस्पिटल आना है, इसलिए सुबह 4 बजे से उठकर तुम्हारे लिए लाइन में खड़ा हूँ। डॉक्टर 8 बजे तक पेशेंट देख रहे हैं, तुम्हारे पापा को अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अरे बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम सब लाइन में खड़े हैं, ऐसे कैसे जा रही हो? मैडम माफ कीजिएगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
ऐसा नहीं है, मैं इसके रिलेटिव हूँ। हाँ बस रिलेटिव। अच्छा इधर आ जाओ, तुम यहीं रहो, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। सुनो, ग्लोव्स पहने रहना वरना हाथ में खुजली हो जाएगी। टाइम नहीं है, जाना है मुझे। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और वॉल्क बेरीज डाल देना। कमाल है, इतने सालों से काम कर रही हूँ पर अपने बेटे के हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खाया मैंने। अच्छा आज का ब्रेकफास्ट आपने करे वार्ड में? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले ही वो बहुत डरी हुई है। वैसे तुमने कहा था कि मुझे मिलवाओगे, वार्ड की नर्स मुझे रोज अपडेट देती है, बहुत से लोगों ने देखा है मैं क्यों नहीं मिल सकती, मैंने सब सोच लिया है। सुनो, 2015 में ग्रेजुएशन के बाद तुम शादी करोगे और लीप ईयर में तुम्हारा प्यारा सा बच्चा होगा। लीप ईयर के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और फिर वो मेरी तरह डॉक्टर बनेगा। मेरा ध्यान भटकाना बंद करिए, अगर ऐसे ही आप बोलती रही तो गलती से अपना हाथ काट लूंगा। अगर आने के पहले ब्रश कर लेती तो अच्छा होता। अब जाइए जल्दी, अपना मुंह धो के आइए, जाइए। बदमाश, बिल्कुल बाप पी गया है, आज के बाद बात मत करना, बदमाश कहेगा। सुनो तो, अगली बार बोलने से पहले सोचना। हमेशा आप बात का बतंगड़ बना देती है मॉम, सब भूल गया। मुझे यकीन है उसको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब तुम मेरे रिलेटिव हो तो तुम्हारे लिए तो इतना करना बनता है ना। तुम्हारे पापा कैसे हैं अब? अभी तो कंडीशन कंट्रोल में है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? समझ गई ना? थैंक्स, बट मैं मैनेज कर लूंगी। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम कियानवे हो और ना ही इसके बदले कुछ चाहिए। दरअसल मैंने भी अपने पिता को खोया है, नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, बस इसीलिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये लो, ये जोंगजू के सिविल लॉ के लेक्चर का वीडियो है। तुम उनकी बातें और इमोजीज सोशल मीडिया पर डालती रहती हो ना अक्सर। सौभाग्य से स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से मैंने उन्हें रिसीव किया था तो बस वहीं से कॉपी बना ली। कमाल है, मैं तो भूल ही गई थी कि प्रोफेसर जिंगजू का लेक्चर भी था। लेकिन वीडियोस बनाना तो मना था, तुमने रिस्क क्यों लिया? कुछ भी हो सकता था। अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, तुम जल्दी ही हमारी प्रेसिडेंट टीम की मेंबर होगी। सभी स्टूडेंट्स को रिव्यू कर लिया गया है, रिजल्ट अगले महीने अनाउंस हो जाएंगे, तो अब तुम आउटसाइडर नहीं हो। रख लो इसे। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा मजाक कर रहा था? लुशन ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत मन था, पर माँ केवल पापा के लिए ही बनाती हैं। अपनी बीवी से बोलना। हाँ वही बनाएगी उसके लिए। या तुम खुद ही बना लेना। आ गई, मुझको लगा तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारे लिए रखा है वहाँ पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये पॉरिज कहाँ से आया? हॉस्पिटल के कैंटीन से आया है, खास हम लोगों के लिए। डॉक्टर ने लुशन के हाथों भिजवाया है। आप क्या खा रहे हो? टेस्ट करो, मैं इसका नाम भूल गया। ये तो मेरा फेवरेट पोरिज है, ये कौन लाया आपके लिए? डॉक्टर ने कहा कि कैंटीन से ले लूं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो रहने दो, बाद में खा लेना। बेटा खा कर देखो,
बहुत अच्छा है, गर्म है। तो ये सब लूजन ने बनाया हुआ है, पहले भी और अभी भी लूजन बनाकर लाया है।但我不能没你，即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，想与你白头到老，携手环游全世界。任何地方有你在，就是我的全世界。我就是你的，才会撑起你整个世界。许你这个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。Yeah， 躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中。我的余生都是你，一把心事永不羁，恋在人间。I love you 余生。